हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 900 का ज्योमेट्री सब्जेक्ट सीखेंगे। हमें प्रैक्टिस सेट 5.5 आज सीखना है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे है आपके सामने, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। सो इन फिगर पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स। एक्स वाई जेड मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ की है, ठीक है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है एंड बी सी 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तीन साइड जो है ट्राइंगल्स की गिवन है। हमें ढूंढनी है एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी साइड बी सी एंड साइड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन में मिली है, क्वेश्चन में दी है, रीजन दिया गिवन। अगर ऐसा है, ट्राइंगल में आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको ये एक्सरसाइज के पहले के बेसिक इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स अगर जॉइन किए हैं सेगमेंट से, तो वो सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल होती है और हाफ भी होती है थर्ड साइड के। तो ऐसे यहाँ पे तीनों साइड्स में हो जाएगा। जैसे कि एक्स और जेड, ये मिड पॉइंट्स अगर जॉइन किए तो एक्स जेड सेगमेंट मिलती है। तो ये दो साइड के मिड पॉइंट है एक्स जेड, थर्ड साइड है बी सी, तो एक्स जेड बी सी के हाफ हो जाएगी। वैसे हम y और z की बात करें तो ये भी दो मिड पॉइंट्स है, सब मिड पॉइंट्स है यहाँ पे x, y, z। तो y, z दो मिड पॉइंट्स अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये थर्ड साइड को ए बी को पैरेलल और हाफ भी होंगे। x और y दो ये मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, तो ये थर्ड साइड ए सी को हाफ रहेंगे या फिर पैरेलल भी होंगे। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मिलता है। तो तीनों के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स वाई हाफ ऑफ ए सी देन वाई जेड हाफ ऑफ, वाई जेड हाफ ऑफ ए बी एंड एक्स जेड, एक्स जेड हाफ ऑफ बी सी। तीनों के लिए एक ही रीजन यहाँ पे लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ए सी, ए बी और बी सी की वैल्यूज आपको ऑलरेडी सम में दी है। एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है अपने पास 9, तो इनटू 9 लिखेंगे और फिर हाफ हो जाएगा, जो मिलेगा 4.5। वाई जेड के लिए आपके पास ए बी की वैल्यू दी है, जो है 5, 2 से डिवाइड करने पे आधा वैल्यू मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपको मिलेगी वैल्यू एक्स जेड की, जो हाफ ऑफ बी सी है, और बी सी की वैल्यू है अपने पास 11, तो यहाँ पे वो 5.52 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगी। तो एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, एक्स जेड मिला, और यहाँ पे फर्स्ट सम पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे स्टूडेंट। अगला सम है नंबर 2, रीड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल एम आर एम एन आर एल। तो यहाँ पे दिए पी क्यू आर एस, एम एन आर एल, ये छोटा, दोनों रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। एम ये है मिड पॉइंट पी आर के लिए, ठीक है। ये दोनों प्रूव करने हैं, एस एल और एल आर,
SL और LR इक्वल और LN ज्वाइन करने पे मिलेगी, वो हाफ होनी चाहिए SQ के, वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब फिगर जो है यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जो यहाँ पे दी है फिगर, और फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सम्स। दोनों डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किए, मतलब दोनों रेक्टेंगल, और यहाँ पे लिखा भी पी क्यू आर एस और एम एन आर एल रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है या फिर पैरेलल भी होती है, मैं पैरेलल बोलूँगा यहाँ। सो पी एस पैरेलल आर क्यू, पी एस पैरेलल आर क्यू, ओके। और यहाँ पे आर क्यू को ही हम आर एन बोल सकते हैं। सो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पहले रीजन देंगे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर क्यू को हम आर एन बोल सकते हैं। सो पी एस इज इक्वल टू आर एन, रीजन देंगे आर बिटवीन एन बिटवीन क्यू, एक ही लाइन पे हो। बट आर एन और एल एम पैरेलल हो सकता है, अगेन आर एन पैरेलल एल एम, ये भी साइड्स ऑफ रिक्टेंगल आप इसे बोल सकते हो। रीजन की स्मॉल रिक्टेंगल के साइड्स हैं वो पैरेलल है। अभी कंपेयर करो देखो दोनों को, पी एस आर एन को पैरेलल है, आर एन एल एम को, यानी पी एस अल्टीमेटली एल एम को पैरेलल हो गया, ठीक है। सो पी एस पैरेलल एल एम हम बोल सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर वन हो जाएगा। अच्छा ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। इसके लिए मैं ट्रायंगल लेता हूँ। सो ये ट्रायंगल है अपसाइड में ओ लेंगे, इन ट्रायंगल आर एस पी, स्टेटमेंट वन में ऑलरेडी मुझे ये दिया है, वो भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। पी एस पैरेलल एल एम फ्रॉम वन, बराबर पी एस ये साइड है और एल एम अंदर साइड है, और एम ये मिड पॉइंट है पी आर का, ये भी गिवन में है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर, ये गिवन है। तो अगर ट्रायंगल में, ट्रायंगल में मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को अटैच करने वाली लाइन ये थर्ड लाइन को पैरेलल है, तो ये यहाँ पे भी वो मिड पॉइंट ही होगा। मतलब मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन अगर पैरेलल है तो आगे जाके वो मिड पॉइंट को ही अटैच होगी, एल भी मिड पॉइंट ही होगा। सो देयरफॉर एल इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट या फिर साइड हम बोल सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या कहा था, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो पैरेलल होगी थर्ड साइड को, ओके। अभी वो पैरेलल भी है, एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट ही होगा। तो मैं एम मिड पॉइंट है, इसी वजह से एल भी मिड पॉइंट यहाँ पे दिखा पाया। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है तो दोनों हाफ हो गए, करेक्ट ना। तो एस एल इज इक्वल टू एल आर, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, मिड पॉइंट होने की वजह से पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अभी दूसरा भी प्रूव करना है, हमें एल एन हाफ दिखानी है एस क्यू के, तो इसलिए मुझे एस क्यू ज्वाइन करनी पड़ी और एल एन भी ज्वाइन करनी पड़ी, ठीक है। अभी एल एन एस क्यू के हाफ दिखानी है और एल अभी मिड पॉइंट मिल चुका है, इसे नंबर टू स्टेटमेंट हम दे देंगे, ओके। हम एन भी मिड पॉइंट दिखा सकते हैं क्योंकि एक ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था तो नीचे भी तो ट्रायंगल आता है, एम मिड पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, पी क्यू को भी पैरेलल हम बोल सकते हैं। तो चलो वापिस जो किया है सिमिलरली हम ये ट्रायंगल के लिए करने वाले हैं। तो रिक्टेंगल जो है ये भी साइड पैरेलल ही देता है, एस आर पी क्यू ये भी साइड पैरेलल है, एम एन एल आर ये भी पैरेलल है, तो हमें पैरेलल मिल जाएगा, ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा भी मिड पॉइंट होने वाला है एन भी, ठीक है। तो उसी तरह से हम करेंगे, देखो चलो स्टार्ट करते हैं।
पहले रेक्टेंगल की तीनों साइड्स हम बताएंगे, दोनों रेक्टेंगल्स की मिला के यहाँ पे हम बताएंगे SR पैरेलल PQ, पैरेलल PQ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बट SR का नेम हम शॉर्ट कर सकते हैं LR, LR पैरेलल PQ, क्यों? S बिटवीन L बिटवीन R है, ठीक है, और MN जो है LR को पैरेलल होगा ही, MN पैरेलल LR, इसे बोलेंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये छोटे रेक्टेंगल की साइड्स हैं, ओके। तो यहाँ पे छोटे रेक्टेंगल की साइड्स दी, दोनों को कंपेयर करो, देखो LR यहाँ पे पैरेलल है और PQ को और MN को भी, तो LR कॉमन नेम है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं PQ के साथ, MN PQ पैरेलल हो जाएगा, MN और PQ, MN पैरेलल PQ, इसे हम स्टेटमेंट 2 गया है, यानी 3 बोलेंगे, ओके, स्टेटमेंट 3 बोलते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेट करो आगे, MN और PQ पैरेलल आपने बोल दिया, ट्रायंगल में देख सकते हो यहाँ पे MN और PQ पैरेलल, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, M पहले ही मिड पॉइंट है तो N भी मिड पॉइंट हो जाएगा, और कन्वर्स थ्योरम हम बोल देंगे, ओके, ठीक है। चलो इन ट्रायंगल कौन सा है आप देखो, RPQ, ओके, पैरेलल यहीं से मिल गया, MN पैरेलल PQ फ्रॉम 3, ओके, M ये मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR गिवन, इसका मतलब N भी दूसरा भी जो है मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम दिखाएंगे आखिरी जो बचा है वो N इज मिड पॉइंट ऑफ साइड RQ, स्टेटमेंट हम बोलेंगे 4 और रीजन देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम देखो, अभी आपने स्टेटमेंट 2 में दिखाया L इज मिड पॉइंट SR, और अभी दिखाया N इज मिड पॉइंट RQ, जिसके लिए स्टेटमेंट 4 दिया है। ट्रायंगल ये पूरा लेंगे अभी RSQ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, इन ट्रायंगल RSQ L और N मिड पॉइंट है, ओके, सो डायरेक्टली हम बोलेंगे LN ये SQ को पैरेलल है और LN ये SQ के हाफ भी है, सो LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ, ये अभी डायरेक्टली लिया है क्योंकि 2 और 4 में हमने मिड पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, और यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया है, ये हमें ओनली बताना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम, दो रीजंस आ जाएंगे, और हमें यही प्रूव करना था LN ये हाफ होगी SQ के, ठीक है। तो आप ये रीजंस अच्छे से लिख देना, आई होप आपको सम समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज कर करके देखिए तो आपको सम समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, गिवन और टू प्रूव या फॉर्म में लिखा है हमने यहाँ पे, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डायग्राम भी ड्रॉ किया है, पॉइंट्स FG आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC, ये FGE मिड पॉइंट से AB बताया गया है, और क्वेश्चन है प्रूव करना है FED जो छोटा ट्रायंगल यहाँ पे बनता है मिड पॉइंट की वजह से, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बताना है, ठीक है। जो गिवन में है उसे लेके हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ओके, तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट होता है, ट्रायंगल ABC
is an equilateral triangle given. अगर ऐसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. स्टेटमेंट वन, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे लिख दिया, तीनों साइड्स इक्वल है. और हमारे पास है एफ डी ई, ये मिड पॉइंट्स वाली लाइन, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स एफ डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ पे AC लिखा है, आपको शायद नजर ना आए ठीक से. तो ये गिवन है, अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो सकता है ना. यस, इसके पहले के सामने हमने यूज किया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम बोलेंगे. तो ऑल मिड पॉइंट्स है तो FE ये हाफ होगा BC के, DE ये हाफ होगा ए बी के, और एफ डी ये हाफ होगा सी के. और सबके लिए एक ही रीजन स्टेटमेंट टू देंगे और रीजन देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, अच्छा अभी वन और टू को कंपेयर करो, स्टेटमेंट वन और टू को. ए बी बी सी और ए सी इक्वल है तो ये तीनों साइड्स इक्वल, ये हाफ मतलब ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो ये भी इक्वल आ गई. ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड टू हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ई इज इक्वल टू जी ई इज इक्वल टू एफ डी. तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम वन एंड टू, और ये एक्चुअली में ये तीनों साइड्स है छोटे ट्रायंगल की एफ डी ई की, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा. देयरफॉर ट्रायंगल एफ ई डी is an equilateral triangle. और ये प्रूव हो गया, इजी सम था. फोकस करो, अच्छे से देखो और लिखो भी, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, तो आपको भी ये आ सकता है. ठीक है, अभी लास्ट वाला सम है वो भी हम जल्दी से ले लेंगे. ओके स्टूडेंट, आखिरी सम है एक्सरसाइज का, और आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो. क्वेश्चन को डायरेक्टली मैंने गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन तीन फॉर्म में डाइवर्ट कर दिया. तो सेगमेंट पी डी ये मीडियन है और टी ए मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख दी. प्रूव करना है जो शो करना है यहाँ पे पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री. और जो ये प्रोड्यूस वाली लाइन थी ये कंस्ट्रक्शन में आ गई, क्यू टी इस तरह से ड्रॉ की है कि वो एम के पॉइंट में पी आर को इंटरसेक्ट करती है. और सेगमेंट डी एन ये भी ड्रॉ करना पड़ा है. ठीक है, तो अभी हमें बताना है पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री. तो स्टार्ट करते हैं. चलो सबसे पहले जो गिवन में पार्ट है वो लेंगे. ओके, सो प्रूफ. ओके, स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके डी ये मिड पॉइंट बन जाएगा क्योंकि पी डी इज द मीडियन, पी डी इज मीडियन, ये गिवन है. अगर मीडियन होती है यानी मिड पॉइंट होता है, सो देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर, स्टेटमेंट वन. ठीक है, नाउ अभी हम आगे देखेंगे. हमें बताया गया है टी ए मिड पॉइंट है, तो टी ए मिड पॉइंट है और डी एन ये पैरेलल दी है क्यू एम को. ये हिंट में आपको दिया है, देखो डी एन पैरेलल क्यू एम, क्वेश्चन में देख सकते हो. सो टी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट
पी डी स्टेटमेंट टू और इसे गिवन बोलेंगे। ओके नाउ ट्रायंगल चेंज करते हैं, इन ट्रायंगल ओनली पी डी एन लेंगे, क्या लेंगे पी डी एन, इन ट्रायंगल पी डी एन। तो हमें क्या करना है देखो, टी एम ऑलरेडी मिड पॉइंट है, डी एन और क्यू एम पैरेलल है, डी एन पैरेलल क्यू एम इट मीन्स टी एम हम बोल सकते हैं, क्यू एम और टी एम सेम है, ये गिवन ठीक है। और फ्रॉम टू में हमने बोला है कि टी ए मिड पॉइंट है, तो ओनली ये अगर ट्रायंगल आप देख रहे हो पी डी एन ए ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल भी है, यानी एम ये मिड पॉइंट बन गया, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी एन। सो फ्रॉम टू ही बोल सकते हैं और बाय मिड पॉइंट थ्योरम बोलेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके तो इसे आप स्टेटमेंट थ्री भी बोल सकते हो क्योंकि आगे यूज होने वाला है, एम मिड पॉइंट मिल गया ठीक है। ओके अभी आपको ट्रायंगल लेना है ये वाला नीचे वाला क्यू आर एम, क्यों, क्योंकि डी एन क्यू एम और पहले से ही पैरेलल ली है, डी ए मिड पॉइंट आपने अभी बता दिया है यहाँ पे वन में। ओके तो वही हम लेंगे वापिस इन ट्रायंगल एम क्यू आर। ओके फ्रॉम वन जो मिड पॉइंट दिया है और पैरेलल लाइन दी है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। सो पहले लिखते हैं पैरेलल डी एन पैरेलल क्यू एम गिवन फ्रॉम वन, हमें बताना है क्या, देखो डी ए मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, नीचे वाला ट्रायंगल देख रहे हैं तो एन भी मिड पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि ये पैरेलल है अगर इसे तो एन मिड पॉइंट हो जाएगा, डी मिड पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट ही होता है, एन इज द मिड पॉइंट। सो यहाँ पे लिखेंगे एन इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एम आर, ट्रायंगल की साइड एम आर है, देखो एम आर यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल ठीक है। हम क्या बोलेंगे स्टेटमेंट फोर एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके अभी थ्री में बोला है कि एम इज द मिड पॉइंट, ओके और एन इज द मिड पॉइंट बोला है यहाँ पे फोर में, तो एम मिड पॉइंट है पी एन के लिए, एन मिड पॉइंट है एम आर के लिए, सो दोनों का यूज़ करते हैं। अगर एम मिड पॉइंट है तो पी एम और एम एन हाफ हो जाएंगे, एड मिड पॉइंट है तो एम एन और एन आर हाफ हो जाएंगे। सो फ्रॉम थ्री एंड फोर पी एम इज इक्वल टू एम एन फ्रॉम थ्री एंड एम एन इज इक्वल टू एन आर, ये फ्रॉम फोर हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो पी एम एम एन और एन आर इक्वल हो जाएंगे, पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर ठीक है। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है देखो, पी एम एम एन और एन आर ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, तो पी आर मिलता है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, पी एम प्लस एम आर प्लस एन आर मिलता है पी आर, बट तीनों अभी इक्वली पता है ना, अभी लास्ट जो स्टेटमेंट दिखाया वहाँ पे इसे फाइव बोलो आप क्योंकि अभी आगे यूज़ होने वाला है ठीक है। तो तीनों इक्वल है पी एम एम एन एन आर, तो किसी को भी आप पी एम बोल सकते हो, एम एन बोल सकते हो, एन आर बोल सकते हो, सब सेम ही है। तो यहाँ पे वो करना है तो सबको मैं पी एम ही बोलता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ, एम आर भी पी एम बन जाएगा, एन आर भी पी एम बन जाएगा क्योंकि वो तीनों इक्वल है, वैल्यू फिलअप कर दी, यहाँ पे बनेगा तीन पी एम इज इक्वल टू पी आर, तीन हम उधर लेके जाएंगे तो हाफ बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, और पी आर अभी इधर लेके आएंगे
तो मिल गया 1/3, यही हमें प्रूव करना था और जो यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो ठीक से आप वीडियो वापस रिवाइज कीजिए, सम्स देखिए कैसे सॉल्व किए हैं और आप खुद से ट्राई कीजिए तो आपको भी ये करने को आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम मिलेंगे नए वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट 5 पे यहाँ पे पूरा हो चुका है, अभी हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।